हाय, मैं हूँ अमृता और आज मैं लेके आई हूँ स्नो व्हाइट एंड हैट्समैन। ये बहुत ही खूबसूरत फैंटेसी मूवी। सो कहानी की शुरुआत होती है तब हम ताबूत नाम का एक राज्य देखते हैं जो काफी बर्फीला सुंदर होता है। इस राज्य की रानी एलेनोर को हम देखते हैं जो अपने सुनहरे बगीचे में आई थी जो पूरा बर्फ से ढका हुआ था। इसी बर्फीली दुनिया में उसे एक गुलाब का फूल दिखता है। जब उसे वो निकालने के लिए जाती है तब कांटा लग के कुछ खून की बूंदे नीचे गिर जाती है। वो लाल कलर इस सफेद चादर पे इतना खूबसूरत दिख रहा था कि मन ही मन में वो एक विश मांग बैठती है। दरअसल वो प्रेग्नेंट थी। मन में वो विश करती है कि मेरी बेटी इस बर्फ की तरह ही सफेद हो, इस गुलाब की तरह ही उसके ओठ लाल हो, आंखें कमल जैसी हो। और पता नहीं ऐसा क्या था लेकिन यूनिवर्स उसकी ये विश पूरी कर देती है। जब उसे बच्ची होती है तब वो काफी खूबसूरत और सुंदर बच्ची रहती है जिसका नाम वो स्नो व्हाइट रखती है। स्नो व्हाइट काफी सुंदर थी। जैसे जैसे वो बड़ी होती है रानी उसे हमेशा एक चीज सिखाती है, हमेशा किसी भी इंसान को काइंड रहना चाहिए, दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। इन्हीं विचारों से स्नो व्हाइट बड़ी होती है। लेकिन जब वो 10 से 12 साल की होती है तब रानी अचानक से गुजर जाती है। इस मौत के कारण स्नो व्हाइट और उसके पिता यानी किंग मैग्नस बहुत ही ज्यादा डिप्रेस होने लगते हैं। किंग मैग्नस तो बहुत ही ज्यादा दुखी थे। लेकिन इसी दरमियान एक दूसरी सेना इनके राज्य पे हमला करती है। ये आर्मी कोई आम आर्मी नहीं थी, ये काले जादू से बनी हुई आर्मी थी और ये पूरी ग्लास की आर्मी थी जिसे डार्क आर्मी कहा जाता था। लेकिन राजा इस आर्मी से काफी आसानी से जीत जाता है। लेकिन इस आर्मी के पास एक कैदी होता है, रवेना नाम की एक लड़की रहती है जो इस आर्मी ने कैद करके रखी हुई थी। राजा जब ये बैटल जीत जाता है तब रवेना को एक नई जिंदगी देता है। राजा जब रवेना को देखता है तब उसके खूबसूरती पे वो फिदा हो जाता है, उसे अपने राज्य लेके जाता है, बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ अगले ही दिन शादी कर बैठता है। शादी के पहले रवेना स्नो व्हाइट से मिलती है। स्नो व्हाइट काफी खुश थी कि उसे एक नई माँ मिलने वाली है या फिर एक दोस्त मिलेगी। अब उसी दिन उसकी और किंग की शादी हो जाती है। लेकिन रवेना कोई साधारण औरत नहीं थी, वो काफी पावरफुल सॉर्सरेस यानी एक विच थी। जिस डार्क आर्मी की हम बात कर रहे थे वो उसी ने भेजी हुई थी। और शादी के रात ही रवेना किंग मैग्नस से कन्फेस करती है कि ये सब उसकी एक चाल थी और देखते ही देखते वो राजा को उसी रात मार देती है और अपने पूरी डार्क आर्मी को ऑर्डर देके इस राज्य को घेर लेती है। हर जगह वो ऐलान कर देती है कि अब ये राज्य मेरा है। अब लोग ये देखने के बाद काफी डर जाते हैं और कोई भी उसके अगेंस्ट जाता नहीं है क्योंकि वो पावरफुल विच रहती है। छोटी स्नो व्हाइट को तो रात में पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है कि किसी सेना ने राज्य पे हमला किया है। लेकिन तभी स्नो व्हाइट का एक बचपन का दोस्त रहता है विलियम, और उसके पिता जो किंग मैग्नस से काफी वफादार रहते हैं वो छोटे स्नो व्हाइट को कैसल से भगाने के लिए लेके जाते हैं ताकि वो सुरक्षित रहे। लेकिन वो तीनों भी पकड़े जाते हैं और स्नो व्हाइट को क्वीन रवेना कैप्चर कर लेती है और उसे जेल में कैद करके रख देती है। हर जगह वो ऐलान कर देती है कि ये राज्य टाबूर अब मेरा है। अब देखते ही देखते कुछ साल बीत जाते हैं। क्वीन रवेना जब छोटी थी तब उसकी माँ ने उसे एक स्पेल दिया था जिसके कारण वो हमेशा यंग और जवान रह सकती है, हमेशा खूबसूरत दिखेगी। लेकिन उस स्पेल को हमेशा जवान लड़कियों का जो यूथ रहता है, खूबसूरती रहती है, उसकी जरूरत थी। इसीलिए क्वीन रवेना अक्सर लड़कियों को लाया करती थी और उनकी खूबसूरती सींच लेती थी जिसके कारण वो आज भी खूबसूरत थी। उसके पास एक मैजिक मिरर रहता था। वो अक्सर उसे बताया करता था कि दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत वही है और उसी का उसको नाज रहता था। अब ऑलमोस्ट 7 से 8 साल बीत गए थे। स्नो व्हाइट आज भी बड़े से टावर में लॉक्ड अप थी। बाहर की दुनिया कैसे है ये उसे पता ही नहीं था। तो यहाँ पे क्वीन के निगेटिविटी से पूरा राज्य बर्बाद हो गया था। कोई हरियाली और खुशहाली नहीं थी राज्य में। एक दिन एक लड़का और उसके पिता को बंदी बना के उसके सामने लेके आते हैं। तो वो लड़का काफी करेजियस रहता है, वो सीधा क्वीन को चाकू मारता है। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि क्वीन मरती नहीं है। जब वो अपने कमरे में आती है खुद को आईने में देखने पर उसके अपने चेहरे पे झुर्रिया दिखाई देती है। जैसे जवान इतने सालों से दिख रही थी वैसे वो नहीं थी, उसकी पावर फेड्स हो रही थी। तो उसे शांत करने के लिए उसका भाई एक लड़की को लेके आता है और वो उसे कंज्यूम करती है जिसके कारण वो वापस काफी खूबसूरत दिखने लगती है। और वो अपने मैजिक मिरर से पूछती है कि सबसे सुंदर लड़की कौन है। तब उसका मैजिक मिरर उसे बताता है कि अभी स्नो व्हाइट भी अपने यंग एज में आई हुई है, वही अभी काफी खूबसूरत लड़की बनेगी और ऐसे भी डेस्टिनी है कि वो तुम्हारे इस राज्य को तुमसे वापस ले लेगी। अगर स्नो व्हाइट से बचना है तो तुम्हें उसका हार्ट कंज्यूम करना होगा। उसका इनोसेंट एंड प्यूरिटी ही तुम्हारे बीच में आ रही है, वो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर सकती है। और अगर एक बार तुमने उसका हार्ट कंज्यूम किया तो तुम कभी भी एज नहीं होगी, तुम हमेशा खूबसूरत दिखोगी। इसीलिए वो अपने भाई को स्नो व्हाइट को टावर से लेके आने के लिए कहती है। जब उसका भाई स्नो व्हाइट को लेने के लिए जाता है
तब काफी चतुराई से वो उसको जेल में ही बंद करके वहाँ से भाग जाती है। लेकिन टावर के नीचे काफी सारी सेना थी। कैसे तैसे बचते हुए वो एक सुएज लाइन के अंदर चली जाती है। उसके दूसरी तरफ बहुत बड़ा समुंदर था और उस समुंदर में सीधा वो जंप मारती है। जब उसकी आँख खुलती है तब वो एक किनारे पे थी और वहाँ पास में ही एक सफेद घोड़ा रखा हुआ था। वो घोड़ा लेती है और सीधा अपने राज्य से दूर चली जाती है। उसके पीछे अभी भी आर्मी लगी हुई थी। स्नो व्हाइट काफी दूर चली जाती है और देखते ही देखते वो डार्क फॉरेस्ट के यहाँ पे आती है। उसका घोड़ा वहाँ अंदर आने से मना कर देता है तो ये भाग के अंदर चली जाती है। जब सेना वहाँ पहुँचती तब वो भी अंदर नहीं जा पाते। क्वीन का भाई क्वीन को आके ये सब कुछ बताता है तब वो काफी गुस्सा हो जाती है। अपने भाई को भी मारती है क्योंकि क्वीन की पावर डार्क फॉरेस्ट में नहीं चलती थी और अभी वो कमजोर पड़ रही थी। इसीलिए वो अपने भाई को किसी को ढूंढने के लिए कहती है जो डार्क फॉरेस्ट से स्नो व्हाइट को लेके आ सकता है। और एंट्री होती है हट्समैन की, जो एक बार डार्क फॉरेस्ट जाके आया है। क्वीन हट्समैन को बंदी बना के उसे स्नो व्हाइट को लेके आने के लिए कहती है, लेकिन हट्समैन सीधा सीधा मना कर देता है क्योंकि डार्क फॉरेस्ट बहुत ही खतरनाक रहता है। वो क्वीन को ये भी बताता है कि स्नो व्हाइट अभी तक मर गई होगी, लेकिन क्वीन नहीं मानती। उसे फिर मरे हुए स्नो व्हाइट का दिल चाहिए था। काफी अच्छे पैसे देने के बावजूद हट्समैन डार्क फॉरेस्ट में जाने के लिए मना करता है। अब ये देखने के बाद क्वीन उसका हदीत पढ़ लेती है। दरअसल हट्समैन की वाइफ मर गई थी और वो उसे काफी मिस कर रहा था, तो क्वीन उसे सौदा करती है कि वो उसके मरे हुए वाइफ को वापस जिंदा कर सकती है, उसके बदले में उसे स्नो व्हाइट देना है। अब ना चाहते हुए भी हट्समैन रेडी होता है। तो यहाँ पे डार्क फॉरेस्ट में हम देखते हैं अपने आसपास के माहौल को देख के स्नो व्हाइट बेहोश पड़ गई थी। जब उसकी आँख खुलती है तब एक गुफा के यहाँ पे जाके वो छुप जाती है। यहाँ पे हट्समैन, डार्क आर्मी और क्वीन का भाई डार्क फॉरेस्ट में चले आते हैं। हट्समैन को सारे स्पॉट बता दे कि कहाँ पे एक इंसान छुप सकता है, इसीलिए उसे बहुत जल्द ही स्नो व्हाइट मिल जाती है। और सामने जब क्वीन की आर्मी को वो देखती है तब वो काफी डर जाती है। हट्समैन को कहती है कि क्वीन मुझे मार डाल के मेरा हार्ट कंज्यूम करने वाली है, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन हट्समैन को इससे कोई लेना देना नहीं था। वो सीधा क्वीन के भाई से पूछता है, अब तुम यहीं पे मेरे वाइफ को लाके दो, क्वीन ने यही वादा किया था। स्नो व्हाइट को वो उसके हवाले नहीं करता। ये देख के क्वीन का भाई काफी गुस्सा हो जाता है एंड वो उसे बताता है कि क्वीन के पास डार्क पावर है, वो किसी की भी लाइफ सस्टेन कर सकती है या मार सकती है, लेकिन एक बार जो मर गया उसे वापस नहीं ला सकती। तुम एक बेवकूफ इंसान हो, अब स्नो व्हाइट को मेरे हवाले कर दो। अब ये सुनते ही हट्समैन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो क्वीन की सेना को मारने लगता है। लेकिन उसे ज्यादा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि ये डार्क फॉरेस्ट रहता है। ये डार्क फॉरेस्ट इंसान के दिमाग के साथ ऐसा खेल खेलता है कि इंसान वहीं पे 2 सेकंड में मर जाता है। क्वीन की सेना तो मारी जाती है लेकिन उसका भाई वहां से बच के भाग आता है। अब यहां पे स्नो व्हाइट हट्समैन को रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मेरी मदद करो, मुझे ड्यूक और उनकी सेना के पास लेके चलो, मैं वहाँ पे सुरक्षित रहूंगी। दोस्तों ड्यूक ये विलियम के पिता थे जो स्नो व्हाइट को बचपन में भगाने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पे हट्समैन मान जाता है और उसे डार्क फॉरेस्ट से ले चलता है। यहाँ पे हम दूसरी जगह देखते हैं जो बूढ़ा इंसान था जिसके बेटे ने क्वीन को मारने की कोशिश की थी, वो बुजुर्ग ड्यूक से आके मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि क्वीन एक बहुत ही बड़ी विच है, उसे हम नहीं मार सकते। आगे वो ड्यूक को बताते हैं कि शायद प्रिंसेस भी जिंदा है, मेरे सामने ही वो भाग गई थी लेकिन मैं उसकी मदद नहीं कर पाया। उसी दरमियान वहाँ पे विलियम आता है। ड्यूक विलियम को बताते हैं कि प्रिंसेस जिंदा है, वो डार्क फॉरेस्ट में भाग गई है। अब ये सुनते ही विलियम खुश हो जाता है। वो कहता है कि बचपन में मैं उसे बचा नहीं पाया लेकिन अभी बचाने के लिए जा रहा हूँ। और विलियम भी स्नो व्हाइट की तलाश में निकल जाता है। आगे वो क्वीन के भाई और उसकी सेना में ही शामिल हो जाता है जानबूझ के, ताकि स्नो व्हाइट का इजीली पता लगा सके। यहाँ पे दूसरी जगह पे हम हट्समैन एंड स्नो व्हाइट को देखते हैं। जब वो डार्क जंगल में थे तब उनके ऊपर बहुत ही बड़ा और अजीब सा पेड़ अटैक करता है। हट्समैन सीधा उस पेड़ को मारने वाला था लेकिन स्नो व्हाइट उसे रोकती है। स्नो व्हाइट का स्वभाव ऐसा था कि किसी को भी मारना नहीं है। जब वो अपने मासूम नजरों से उस पेड़ को देखने लगती है तब वो पेड़ हट्समैन को मारने के बजाय वहां से निकल जाता है। अब ये दोनों भी डार्क फॉरेस्ट के दूसरे नोक से निकल जाते हैं। नदी के उस पार कुछ औरतें थी, वो इन्हें अपने गांव लेके जाती है। इस गांव में सिर्फ औरतें ही रहती थी, इस गांव में सिर्फ औरतें और बच्चे ही रहते थे और इन औरतों ने क्वीन रवेना से बचने के लिए अपना चेहरा विकृत कर दिया था ताकि वो इन औरतों को अपनी खूबसूरती के लिए उठाए ना। और इस गांव के सारे आदमी रवेना की फौज में जबरदस्त जंग लड़ने के लिए शामिल कर दिए गए थे। अब इसी बीच में गांव की एक औरत हट्समैन को स्नो व्हाइट की असली पहचान बता देती है और वो काफी हैरान हो जाता है। फिर रात को वो स्नो व्हाइट की सुरक्षा के लिए उसी गांव में उसे छोड़ के चला जाता है क्योंकि वो सोचता है कि उसके जाने से वो सुरक्षित हो जाएगी। लेकिन उसके बाद ही फिन यानी क्वीन का भाई और उसकी आर्मी पीछा करते हुए इस गांव में पहुंच जाते हैं और पूरे गांव को आग लगा देते हैं।
अब दूर से ही आग देख के हट्समैन वापस स्नो व्हाइट को बचाने के लिए आता है और उसे कैसे तैसे बचाते हुए वहाँ से भाग जाता है। फिर हट्समैन और स्नो व्हाइट एक जंगल से गुजर रहे होते हैं, तभी अचानक से एक ट्रैप पे उनका पैर फंसता है और पेड़ से ही उल्टे लटकने लगते हैं और वहाँ पे आते हैं 8 ड्वार्फ। उनमें से एक अंधे होते हैं, वो स्नो व्हाइट को सूंघते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये एक ऐसी लड़की है जो क्वीन को मार सकती है, यही प्रिंसेस है। अब की प्रिंसेस है ये जानने के बाद इन दोनों को भी निकाला जाता है और एक दूसरी दुनिया में लेके जाते हैं। एक परियों की दुनिया रहती है जहाँ पे सारी फेरीज और अलग अलग छोटे मोटे क्यूट से क्रीचर्स रहते हैं। अब रात में ये दोनों भी वहाँ पे रुक जाते हैं। रात में एक छोटा डार हट्समैन से पूछता कि क्या तुम सच में सिर्फ गोल्ड कॉइंस के लिए स्नो व्हाइट के पीछे हो? तो वो कहता है कि नहीं, शायद कुछ और भी है पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। दरअसल यहाँ पे हट्समैन को स्नो व्हाइट से प्यार होने लगा था। अगली सुबह स्नो व्हाइट जहाँ सोई थी उसके आसपास काफी सारे फेरीज आ जाते हैं और उसे एक जगह पे लेके जाते हैं जहाँ पे व्हाइट हार्ट आता है। सारे ड्वार्फ उसके पीछे पीछे जाते हैं, हट्समैन भी था, और तभी वो व्हाइट हार्ट स्नो व्हाइट को अपनी ब्लेसिंग देता है। ये देख के सब लोग काफी हैरान हो जाते हैं। तभी इनमें से ही एक कहता है कि दरअसल स्नो व्हाइट ये लाइफ है, वो जहाँ पे भी जाएगी ये जीवन हरियाली अपने साथ लेके जाएगी। तो दूसरी साइड पे हम देखते हैं क्वीन भी ये चेंज नोटिस करती है क्योंकि उसके आसपास फूल उगने लगे थे और वो कमजोर पड़ने लगती है। फॉरेस्ट में हम देखते हैं वो हार्ट स्नो व्हाइट को ब्लेसिंग दे ही रहा था, तभी फिन और उसके सोल्जर आके इस पूरे फॉरेस्ट पे हमला करते हैं, सारी चीजें तबाह कर देते हैं। स्नो व्हाइट हट्समैन और ड्वार्फ के साथ वहाँ से भाग जाती है, लेकिन देखते ही देखते हट्समैन पीछे छूट जाता है और वो फिन के साथ लड़ाई करने लगता है। तो ड्वार्फ स्नो व्हाइट को आगे लेके जाते हैं। इन्हीं सेना में विलियम भी था, वो स्नो व्हाइट के पीछे जाता है लेकिन स्नो व्हाइट उसे गिराती है और फाइनली उसे देखती है कि ये विलियम है और दोनों भी दोस्त एक साथ वापस मिलते हैं। तो दूसरी जगह पे फिन और हट्समैन की काफी जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें फिन आखिरकार कन्फेस करता है कि उसी ने हट्समैन की वाइफ को मारा था और वो हट्समैन पे भारी पड़ने लगता है, लेकिन आखिरी में हट्समैन उसे मार देता है। लेकिन फिन अपने बहन से रिक्वेस्ट करने लगता है कि मुझे वापस जिंदा करो, मैं कमजोर पड़ रहा हूँ। तो दूसरी तरफ हम क्वीन को देखते हैं, स्नो व्हाइट आने के कारण उसकी पावर भी ड्रेन हो रही थी, वो पूरी बूढ़ी और कमजोर हो गई थी, उसमें जरा भी ताकत नहीं थी और वो अपने भाई से माफी मांगती है कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी, मेरे पास उतनी ताकत ही नहीं है, और उसका भाई उधर जंगल में मर जाता है। यहाँ पे विलियम स्नो व्हाइट हट्समैन और बाकी के ड्वार्फ जंगल से निकल जाते हैं विलियम के कासल जाने के लिए। यहाँ पे हम क्वीन को देखते हैं, वो पूरी तरीके से कमजोर पड़ गई थी लेकिन जितनी भी स्ट्रेंथ बची थी उससे वो स्नो व्हाइट को मारने के लिए जाती है। तो यहाँ पे दूसरी जगह पे हम देखते हैं ये लोग कहीं पे रुके हुए थे, तभी स्नो व्हाइट और विलियम क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। विलियम उसे एक सेब देता है खाने के लिए और जैसे ही स्नो व्हाइट खाती है वो धीरे धीरे मरने लगती है। दरअसल ये विलियम नहीं था बल्कि ये क्वीन थी, वो अपने असली रूप में आती है, लेकिन तभी वहाँ पे हट्समैन और विलियम आके क्वीन को वहाँ से भगा देते हैं। अब यहाँ पे स्नो व्हाइट धीरे धीरे मरने लगी थी, ये देख के हट्समैन काफी बेचैन होने लगता है। वो ड्वार्फ को कहता है कि तुम लोग हीलर हो, उसे प्लीज बचाओ, लेकिन उनमें से सबसे बुजुर्ग जो रहते हैं वो कहते हैं कि इसे बस अभी ट्रू लव का किस ही इस स्पेल को तोड़ सकता है। उसे विलियम के घर लाया जाता है जहाँ पे उसकी सेना और उसके राज्य के काफी सारे लोग थे। अलग अलग दवाई देके उसे होश में लाने की कोशिश की जाती है। दूसरी जगह पे क्वीन को हम देखते हैं जो कि कमजोर पड़ी थी, लेकिन अपने कैदी औरतों को लाके वो उनकी खूबसूरती लेती है जिसके कारण वो वापस ताकतवर होती है। यहाँ पे रात में हट्समैन काफी डिप्रेस होके शराब पीने लगता है कि ऐसे टाइम पे वो स्नो व्हाइट के आसपास नहीं था। वो रोते हुए उसके कमरे में जाता है, उससे माफी मांगता है। वो कहता है कि तुम मुझे मेरी पत्नी की याद दिलाती हो, उसे बचाने के लिए भी मैं वहाँ पे नहीं था। और वो स्नो व्हाइट को किस करता है, वहाँ से चले जाता है, लेकिन थोड़ी देर में स्नो व्हाइट को होश आ जाता है, यानी कि हट्समैन उसे सच्चा प्यार करता था। अब स्नो व्हाइट को होश आने के बाद वो सारी सेना को इंस्पायर करती है क्वीन के अगेंस्ट लड़ने के लिए और सब लोग उसके आगे झुक जाते हैं कि वो उनकी क्वीन है। हट्समैन भी काफी खुश हो जाता है उसे जिंदा देख के। फिर स्नो व्हाइट हैमिंड की आर्मी लेके क्वीन के कैसल में सीधा अटैक कर देती है, जिसमें स्नो व्हाइट और क्वीन रवीना एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। दोनों के बीच में भी काफी फाइट होती है। तो दूसरी तरफ हट्समैन और विलियम स्नो व्हाइट के पीछे आते हैं और रवेना की डार्क आर्मी उन पे हमला करती है। वही रवेना स्नो व्हाइट से लड़ाई में जीतने लगती है अपने काले जादू का यूज करके, और फिर जैसे ही वो स्नो व्हाइट को मारने वाली होती है स्नो व्हाइट सीधा दूसरे हाथ से क्वीन के दिल में खंजर घुसा देती है और देखते ही देखते क्वीन बूढ़ी होके मर जाती है और यहाँ पे उसकी जो सेना रहती है डार्क आर्मी वो भी मारी जाती है। और कुछ दिनों के बाद स्नो व्हाइट को पूरे राज्य की क्वीन घोषित किया जाता है और मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। अब आगे उसकी और हट्समैन की लव स्टोरी बताई नहीं गई है। वेल, आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी इसकी आशा करती हूँ। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।